क्लास 12th स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है करंट डेंसिटी। इन प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी वी एंड आई ग्राफ पढ़ा था और उसके बाद में हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं और रेजिस्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे या रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब और नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी एक्चुअली में डिफाइन करती है कि किसी गिवन एरिया में से कितना करंट पास हो सकता है, किसी गिवन एरिया में से कितना करंट पास हो सकता है उसके बारे में हमें कौन बताता है, करंट डेंसिटी बताती है। क्या होती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। कि किसी पार्टिकुलर एरिया में से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमें कौन बताता है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी वो क्वांटिटी है जो एक्चुअली में करंट की वैल्यू बताती है कि किसी गिवन एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा। मान लो कोई करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है और ये गिवन एरिया है, यानी किसी एरिया में से ये हमारा एरिया है और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस परपेंडिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके बारे में कौन बताता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर। मान लो ये हमारा कोई एरिया है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और एरिया है जो थोड़ा स्लाइड है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमेशा एरिया है वो परपेंडिकुलर लेना है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो हमने यहां पर एरिया का कंपोनेंट बनाया जो करंट की डायरेक्शन यानी करंट के परपेंडिकुलर जो हमारा वेक्टर बना है वो क्या है, हमारा ए कोस थीटा। यानी करंट डेंसिटी किसके इक्वल हो गई, करंट डेंसिटी हमारी इक्वल हो गई करंट पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, यानी एरिया वेक्टर क्या बन गया हमारा, ए कोस ऑफ थीटा। दिस इज द करंट डेंसिटी। और हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, करंट किसके इक्वल आएगा, जे ए कोस ऑफ थीटा, या करंट किसी एरिया में से कितना निकलेगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। तो आई एक्चुअल आई की वैल्यू को करंट डेंसिटी बताती है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, एम्पियर पर स्क्वेयर मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या है, ए एल माइनस टू। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, यानी कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं साइमन, ओम इनवर्स या साइमन। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, वन बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। क्लियर। और इसका ऐसा यूनिट होता है साइमन पर मीटर और ओम इनवर्स पर मीटर, ओम इनवर्स पर मीटर। क्लियर। तो यहां से जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, रेजिस्टिविटी जिसकी लो होती है उसकी कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी है वो इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी का। क्लियर। रेजिस्टिविटी लो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई। तो कंडक्टर्स को हम इसकी लैंग्वेज में भी डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी है वो वेरी लो होती है, जनरली मेटल्स। क्लियर। इसके बाद है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, स्पेशल टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं, जो कार्बन ब्लैक क्ले और रिजाइन के बाइंडर से बने होते हैं, यानी स्पेशल टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। क्लियर। और इनकी वैल्यू को डिफाइन करने का मेथड है कलर कोड। क्या मेथड है, कलर कोड, कि हर एक कार्बन रजिस्टर के ऊपर हम कलर की स्ट्रिप्स बना देते हैं 1, 2, 3, 4, और उन स्ट्रिप्स से हम क्या डिफाइन करते हैं, उसका रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं और उसका एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं कि वो कितना टॉलरेंस कर सकता है, कितने परसेंट रेजिस्टेंस को वो टॉलरेंस कर सकता है। क्लियर। तो ये टॉपिक क्या है,
कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टेंस। कार्बन रजिस्टेंस क्या होते हैं? कार्बन में क्ले और रिजाइन के मिक्सचर होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग रजिस्टेंस की वैल्यू दे सकते हैं, और इनका रजिस्टेंस है वो सीधा नहीं बताया जाता, कलर कोड की फॉर्म में बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? मान लो ये हमारे पास एक कलर कोड रजिस्टर है, इसके ऊपर 2-3 स्ट्रिप बना दी जाती है, अलग अलग कलर की स्ट्रिप है वो बना दी जाती है, मोस्टली 3 होती 4 होती है, लेकिन कई बार 3 भी होती है। तो उन 3 स्ट्रिप्स को देखकर हम इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और इसकी टॉलरेंस यानी एक्यूरेसी टॉलरेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट ये टॉलरेट कर सकता है। क्लियर? मान लो हमारा पहला कलर है ब्लू, पहली स्ट्रिप किस कलर की है? ब्लू कलर की। दूसरी स्ट्रिप है हमारी रेड कलर की। तीसरी स्ट्रिप हमारी है ऑरेंज कलर की। जो फोर्थ स्ट्रिप हो सकती है उसके अंदर 3 कलर हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर या नो फोर्थ बैंड, कई बार फोर्थ बैंड दिया नहीं होता। इसके लिए मान लेते हैं हम सिल्वर कलर की, हमारा जो फोर्थ बैंड है वो कौन से कलर का है? सिल्वर कलर का। तो ये डायरेक्ट मेथड है कार्बन रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, उनकी टॉलरेंस परसेंटेज फाइंड आउट करने की। और इसको याद कैसे रख सकते हैं कलर कोड को? इसको याद इस सेंटेंस से रख सकते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्या लाइन है? फिर से रिपीट कर देता हूं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इनमें जो कैपिटल लेटर हैं वो किसी ना किसी को कलर को बता रहे हैं, और टॉलरेंस के लिए 3 बैंड होते हैं, गोल्ड, सिल्वर या कई बार फोर्थ बैंड नहीं होता। क्लियर? तो क्या होता है, पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ऑफ में कुछ नहीं, ग्रेट का जी ग्रीन, बी ब्रिटेन का बी ब्लू, हेड में कुछ नहीं, कैपिटल बी फॉर वॉयलेट, कैपिटल जी फॉर ग्रीन, एंड आफ्टर दैट हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू फॉर ये गुड का जो जी है वो होता है हमारा ग्रे, और जो डब्ल्यू है वो हमारा होता है वाइट। जो गुड का जी है वो किसको बताता है? ग्रे स्ट्रिप को बताता है। क्लियर? समझ आ गया सभी को? और ये 3 टॉलरेंस के मेथड है, यानी इसकी जो टॉलरेंस परसेंटेज है वो क्या है, अगर गोल्ड की स्ट्रिप है, सिल्वर स्ट्रिप है या फोर्थ बैंड नहीं है। तो इसके लिए हम बैंड सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैंड सिस्टम का, कि इसके किसी पार्ट में बैंड्स बना दी जाती हैं। जैसे यहां पर मैंने 4 स्ट्रिप बनाई है किसी कार्बन रजिस्टर पर, ये हमारा क्या है, कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर हमने 4 स्ट्रिप्स बना दी अलग अलग कलर की, और उससे इसका रजिस्टेंस पता किया जा सकता है। क्लियर? तो मेथड क्या है? सिस्टम नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बैंड सिस्टम के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे, स्ट्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर कोएक्सियल रिंग्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कोएक्सियल रिंग, या अलग अलग कलर की रिंग्स बना दी जाती है, और वो रिंग्स हमें एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में बताती है। क्लियर? क्या मेथड है? नंबर 1, जो हमारी फर्स्ट रिंग होगी, मान लो फर्स्ट जो कलर होगा वो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। किसके बारे में बताएगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सेकेंड रिंग हमारे सेकेंड फिगर के बारे में बताएगी कि हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या होने वाला है। थर्ड रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड रिंग होगी या थर्ड जो स्ट्रिप होगा वो हमें 10 की पावर के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? 10 की पावर के बारे में। और जो हमारा फोर्थ बैंड होगा, यानी फोर्थ जो रिंग होगी वो हमें टॉलरेंस पावर के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? टॉलरेंस के बारे में, कि कितनी परसेंट टॉलरेट कर सकता है। वेरी सिंपल मेथड है, पहला कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगा, सेकेंड बैंड या सेकेंड स्ट्रिप सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को बताएगी, थर्ड स्ट्रिप है वो 10 की पावर के बारे में बताएगी, और फोर्थ बैंड है वो हमारा टॉलरेंस को बताएगा। अगर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं है, यानी गोल्ड या सिल्वर कलर का नहीं है, तो वहां पर हम टॉलरेंस पावर क्या लिख देंगे? ±20%। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला कलर है ब्लू, ब्लू के लिए यहां पर देखिए, ये ब्रिटेन का बी क्या बताता है? ब्लू। तो ब्लू के लिए पहला नंबर क्या आ गया? 6। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर पहली रिंग। दूसरा कलर है रेड, रेड का यहां पर देखिए, आर रेड, रेड का नंबर है 2, तो 2 × 2। तीसरी स्ट्रिप क्या बताएगी? 10 की पावर को। तीसरी क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज का ओ के लिए है 3, यानी 10 की पावर 3। और जो फोर्थ स्ट्रिप है वो हमें क्या बताएगी? टॉलरेंस के बारे में। फोर्थ स्ट्रिप क्या है? सिल्वर। तो हमारी टॉलरेंस पावर क्या आ गई?
10%, ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, यानी जो हमें कार्बन रेजिस्टेंस दिया गया है उसका रेजिस्टेंस ये है। क्लियर। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो हमारे पास इस टाइप का कार्बन रेजिस्टर है, उसके ऊपर ओनली थ्री स्ट्रिप बनी हुई है, तीन बैंड बने हुए हैं। कितने बैंड बने हुए हैं? तीन। पहला बैंड है वो हमारा बता रहा है ब्लैक को, दूसरा बैंड है वो हमारा बता रहा है येलो को, और तीसरा जो बैंड है वो मान लो बता रहा है हमारा ग्रे कलर को, और फोर्थ बैंड इसमें नहीं है। अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो हमारे पास ये देखिए टॉलरेंस क्या है, प्लस माइनस 20%। क्लियर। तो पहला ब्लैक, ब्लैक के लिए यहां से देखिए ब्लैक जीरो, तो पहला फिगर सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया, जीरो, यानी पहला डिजिट जीरो। दूसरा है येलो, येलो, येलो के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर इनटू। तीसरी स्ट्रिप क्या बताती है, 10 की पावर। तीसरी क्या है, ग्रे, ये रहा ग्रे, ग्रे के लिए 8, यानी 10 की पावर 8 इनटू प्लस माइनस। फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस पावर क्या होगी, प्लस माइनस 20% ओम, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, 4 × 10^8 प्लस माइनस 20% ओम। क्लियर। तो ये आ गया रेजिस्टेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम प्लस माइनस 10%, या इसका जो एक्यूरेट मेथड है वो ओम प्लस माइनस 20% इसकी टॉलरेंस पावर है। क्लियर। हैव ए गुड डे।